हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल अरूप टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर मंत्रा डिवाइस में आप एक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि मंत्रा डिवाइस लगाने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा नो डिवाइस प्रेजेंट, तो ऐसा दोस्तों इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना डिवाइस का इंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं एक ऐसा स्टेप बताऊँगा, आप दोस्तों एक मिनट में इसका सोल्यूशन आप कर सकते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा कि दोस्तों मैंने इस डिवाइस कनेक्ट कर लिया है, फिर आपको एक डिवाइस के सेटिंग पे चले जाना है। तो यहाँ पे दिखा होगा यहाँ मैप पे क्लिक करके यहाँ पे बगल में साइड में रिमूव डिवाइस पे क्लिक करके टेस्ट करके ओके कर देना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका डिवाइस रिमूव हो जाएगा। तो उससे हम चलिए डिवाइस को एक बार निकाल के दोबारा से लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों योर हैव सक्सेसफुल डिवाइस कनेक्टेड यहाँ पे लिख रहा है। तो चलिए दोस्तों हम इसको एक बार फिर से निकाल के दोबारा कनेक्ट करते हैं रिमूव। ऐसा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेमवर्क रेडी टू यूज लिखकर आ गया है। ऐसा ये दोस्तों ये दोबारा से आप वर्क करेगा। तो दोस्तों आपको देखने के लिए मैं एक बार फिर से इसको निकाल के दोबारा कनेक्ट करके आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ऐसा दोस्तों मैंने फिर से दोबारा कनेक्ट करके दिखा दिया। तो अब दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।